देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत राजनेता अभिनेता और समाजसेवियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया है। लेकिन धरातल पर देखें तो मलिन बस्तियों में बंद पड़े सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ भारत अभियान की सच्चाई बयां कर रहे हैं। मलिन बस्ती राजनगर में स्थापित सार्वजनिक शौचालय लंबे अरसे से बंद पड़ा है। मजबूरन महिला और पुरुषों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। आगरा आ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्थानीय लोगों ने शौचालय को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है। ये राजनगर वाल्मीकि बस्ती है, ये शौचालय जब से बना है तब से ये खुला ही नहीं है। इसका लोकार्पण आपके हमारे महापौर जी मेयर साहब जी कर गए, ठीक है, इससे पहले उपाध्याय जी भी कर गए, इन दोनों ने करा, मगर उनका वो भी लगा हुआ, बीजक भी लगा हुआ महापौर जी का जी। मगर देखिए ऐसा, ये पार्क बनाई थी, अब ये पार्क तो रही नहीं है, अब चूँकि इसके कोई देखने वाला कोई है नहीं है, निगम के आदमी नगर निगम के जो इतने आलसी हो गए हैं कि बेशुमार आलसी हैं, अब ये जंगल में चले जाते हैं, क्या कराया है? मजबूरी है, खुले में जा रहे हैं, क्योंकि सोच के लिए व्यवस्था ही नहीं बनी। हमारी तो अपील यही है कि कम से कम हमारे यहाँ जो परेशानियाँ हैं, जो परेशानियाँ से लोग गुजर रहे हैं, वो परेशानी हमारी सॉल्व हो जाए। भाई ये लोग हमारी महिलाएं बहन बेटियां हैं, ये खुले में सोच करती हैं, सोच जाती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भाई जैसे योगी जी से क्या अपील करेंगे, शौचालय खोलना चाहिए भाई, यही अपील करेंगे और प्लस यही कहेंगे हम, जो घर घर में जो शौचालय का आपने ग्रामीणों में जो दे रखा है शौचालय बनवाओ, तो ऐसा हमारे यहाँ भी हो जाए और सार्वजनिक शौचालय खुल जाए। लोगों को मालूम हुआ है कि सूबे के मुखिया मलिन बस्तियों का निरीक्षण करेंगे, तो मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों में एक उत्सुकता जागी है कि निरीक्षण के बाद मलिन बस्तियों का विकास होगा और समस्याओं का निस्तारण भी मुख्यमंत्री कराएंगे। राजनगर निवासी शौचालय बंद पड़े होने से नरकीय जिंदगी जी रहे हैं, बीमारियों होने की संभावना बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता व्याप्त है और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द बंद पड़े शौचालयों को सुचारू रूप से चालू किया जाए। हम तो यही चाहेंगे, राजनगर में करीब 3-4 शौचालय हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं है, कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, आए दिन चौक हो जाते हैं, आए दिन गंदगी घर घरों में बहती है, दूसरी वजह लोग बीमार भी होते हैं। हमारी ये उम्मीद है कि वो लोग निरीक्षण करें और इन चीज़ों का समाधान करें, और जो समस्या पानी की सबसे बड़ी बात तो जो समस्या है वो समस्या दूर कराएँ, और स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन से सभी लोग जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा ध्यान दें। हमारी भी यही अपील है सभी लोगों की, राजनगर क्षेत्रवासी होगी कि इसका समाधान कराएं और हम लोग भी चैन की ज़िंदगी जिए, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी नरक बन चुकी है, क्योंकि सारी गंदगी और सारे कीड़े कीड़े ना सब दरवाज़ों के बाहर नालियों में बहते हैं और रोडों पर भी जाते हैं, बच्चे लोग बराबर में स्कूल है एक, उनकी भी समस्या ये है कि आए दिन गटर भी चौक होते हैं, इसके चक्कर से बदबू भी रहती है, हम लोग बाहर बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हम लोग अंदर ही अंदर रह पाते हैं। राजनगर मलिन बस्ती में रहने वाले निवासियों का कहना है कि आगरा आगमन पर सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ राजनगर का निरीक्षण करें, ताकि वास्तविक स्थिति से रूबरू हो सके। वहीं भाजपा के मेयर इंद्रजीत आर्य के निवास के समीप रहने वाले लोगों में खासी नाराजगी व्याप्त है। भाजपा से मेयर होने के बावजूद सपा सरकार का मजा चख चुके इंद्रजीत आर्य अपने नजदीक बने शौचालय को शुरू नहीं करा पाए हैं। ये मेयर निवास है भाई साहब, और ये जब से इसकी ओपनिंग तो हुई नहीं है इसकी, ये बंद अवस्था में चल रहा है, मतलब ये मेयर निवास है ये जी। और यहाँ की दुर्दशा बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका समाज ये खराब पड़ा हुआ है, इसलिए लोग उसमें जाते नहीं, गंदगी के ऊपर गंदगी करोगे तो और गंदगी होगी। पहले बंद पड़ा तो कहाँ जाते हो, खुले में जाते होगे? नहीं, लोगों घर घर में रहते हैं, मजबूर लोग बाहर भी जाते हैं। मजबूर लोग बाहर जाते हैं, मजबूर लोगों के लिए बनाया जाता है ये पब्लिसिटी के लिए, और क्या है, मजबूर लोगों के लिए ही है और क्या है। लेकिन उन्हें मजबूर बाहर जाना पड़ता है, रेलवे लाइन पे जाते हैं, वो उसके पीछे जाते हैं। शौचालय के लिए हम ये कहना चाहेंगे, ये मेयर निवास का ये शौचालय शीघ्र चालू होना चाहिए, जनित के लिए बना हुआ, जनित में उसको चालू कराना चाहिए। नहीं, मेयर साहब को मालूम है, मेयर साहब से हम आते आते कहते रहते हैं जी, उनका मतलब ये पूरी संज्ञा में, हाँ वो ये कह देते हैं, हाँ करवाऊंगा, वो नहीं पता है। शहर में व्याप्त गंदगी और नेताओं के झूठे वादों से जनता तंग आ गई है। स्वच्छ भारत अभियान को ईमानदारी से अमली जमा पहनाने की अपील करते हुए मलिन बस्तियों के विकास की बात जनता कर रही है।
यहाँ मेयर साहब भी रहते हैं, बगल में रहते हैं, इसके जो शौचालय थोड़ी दूरी चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं। कितने समय से बंद है ये? करीब करीब 2 साल, ढाई तीन साल करीब हो गए इसे बने हुए इसको जो है, और आज तक इसका जो सही इसका जो उत्सव होना चाहिए वो नहीं हुआ है, और फॉर्मेलिटी पूरी करी गई है। केवल इस आधार है कि इसकी जो वो है कमीशन, ये कमीशन के आधार पर इसका जल्दी उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन जो कमियां थी वो पूरी नहीं हुई है। अधूरे कार्यक्रम का अधूरी चीज़ों को लेकर ये काम हुआ, ना तो यहाँ इसमें लाइट है, ना कोई इसमें पानी की व्यवस्था है, ना कोई इसमें सफाई कर्मचारी की दैनिक सफाई व्यवस्था है, ये तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं वो इसमें नहीं है। मैं तो क्या कहूँ आपसे, 25 साल से नगर निगम में भाजपा का ही राज चल रहा है, और उस राज्य के बावजूद भी जो जनता की जलन समस्याएं हैं उनका कोई निराकरण नहीं है, केवल वादे होते हैं। वादे तो बहुत हो रहे हैं, कल योगी जी आ रहे हैं तो योगी से ये आशा करेंगे कि ये जो अभियान चल रहा है झाड़ू अभियान, ये जो है जमीनी सफाई नहीं है, बल्कि ये नाटक साल चल रही है सफाई के नाम पर, ये फोटो करा करा के क्या ये जमीनी सफाई से हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, फोटो कराने से शहर की सफाई नहीं होगी। अपील यह है कि जितने भी मलिन बस्तियों में शौचालय हैं उनको सुचारू किया जाए, उनके लिए पानी की व्यवस्था, दैनिक सफाई की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था ये होना चाहिए ताकि लोग हर समय से आ रहे। भाजपा ने एक अलग जगाई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन GGIC सागंज कूड़े के ढेर के साय में संचालित हो रहा है। आखिर ये कैसा अभियान जिन पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं और सफाई के नाम पर मात्र अभियान चल रहे हैं। आगे देखना ये होगा कि आगरा भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा की साफ सफाई और भ्रष्टाचार को मुक्त कराने के क्या आदेश देते हैं। आगरा से 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।